9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसे अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है, और 15 अगस्त 1947 देश आजाद हुआ। एक प्रकार से अगस्त महीने में अनेक घटनाएं आजादी की तवारीख के साथ विशेष रूप से जुड़ी हुई है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि भारत छोड़ो यह नारा डॉक्टर यूसुफ मेहर अली ने दिया था। हमारी नई पीढ़ी को जानना चाहिए कि 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ। 1857 से 1942 तक जो आजादी की ललक के साथ देशवासी जुड़ते रहे, जूझते रहे, झेलते रहे, इतिहास के पन्ने भव्य भारत के निर्माण के लिए हमारी प्रेरणा है। हमारे आजादी के वीरों ने त्याग, तपस्या, बलिदान दिए हैं, उससे बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण संघर्ष था। इसी आंदोलन ने ब्रिटिश राज से मुक्ति के लिए पूरे देश को संकल्पित कर दिया था। ये वो समय था जब अंग्रेजी सत्ता के विरोध में भारतीय जनमानस हिंदुस्तान के हर कोने में, गांव हो, शहर हो, पढ़े हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो, हर कोई कंधे से कंधा मिला करके भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बन गया। जन आक्रोश अपनी चरम सीमा पर था। महात्मा गांधी के आह्वान पर लाखों भारतवासी करो या मरो के मंत्र के साथ अपने जीवन को संघर्ष में झोंक रहे थे। देश के लाखों नौजवानों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, किताबें छोड़ दी थी, आजादी का बिगुल बजा चल पड़े थे। 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने आह्वान तो किया, लेकिन सारे बड़े नेता अंग्रेज सल्तनत ने जेल में हर किसी को डाल दिया। और वो कालखंड था देश में सेकंड जनरेशन की लीडरशिप में डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जैसे महापुरुषों ने अग्रिम भूमिका निभाई थी, और भारत छोड़ो का ऐसा बिगुल बजा कि 5 वर्ष के भीतर भीतर 1947 में अंग्रेजों को जाना पड़ा। अगर 125 करोड़ देशवासी 9 अगस्त क्रांति दिवस को याद करके इस 15 अगस्त को हर भारतवासी संकल्प करे, व्यक्ति के रूप में, नागरिक के रूप में मैं देश के लिए इतना करके रहूंगा, परिवार के रूप में ये करूंगा, समाज के रूप में ये करूंगा, गांव और शहर के रूप में ये करूंगा, सरकारी विभाग के रूप में ये करूंगा, सरकार के नाते ये करूंगा, करोड़ों करोड़ों संकल्प हो, करोड़ों करोड़ों संकल्प को परिपूर्ण करने के प्रयास हो, यही अगस्त मास संकल्प के साथ हमें जुड़ना है। और हमें संकल्प करना है गंदगी भारत छोड़ो, गरीबी भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, आतंकवाद भारत छोड़ो, जातिवाद भारत छोड़ो, संप्रदायवाद भारत छोड़ो। आज आवश्यकता करेंगे या मरेंगे कि नहीं, बल्कि नए भारत के संकल्प के साथ जुड़ने की है, जुटने की, जी जान से सफलता पाने के लिए पुरुषार्थ करने की।